आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और बहुत सारी अच्छी जॉब्स में से अपॉर्चुनिटीज में से एक और जॉब जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट पाकिस्तान में जॉब्स आई हैं 2023 में। ये एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के डिपार्टमेंट है जिसमें 41 सीट्स वैकेंसी निकाली गई हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एक्सपीरियंस होने के बराबर है, मतलब 1 से 2 साल का कोई भी एक्सपीरियंस जो भी होता है वो फ्रेश ग्रेजुएट बंदे के लिए ही होता है, ना एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए होता है। अच्छा, इसमें जो रीजन है वो पंजाब की ये सीट्स हैं और जो ये इसमें तलीम मांगी गई है वो ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिक्स और मिडिल, मतलब कि हर लेवल की इसमें जॉब्स निकाली गई हैं। अच्छा, जो ऑफर सैलरी वो दी जाएगी का आपको जो तनख्वाह दी जाएगी वो कम से कम स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 होगी और 45,000 तक आपकी सैलरी होगी। एज जो मांगी गई है, उम्र जो मांगी गई है वो 18 से लेकर 45 साल तक मर्द और खवातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्किल लेवल कंप्यूटर बेसिक्स और टाइपिंग। और जो डेजिनेशन जो सीट्स हैं वो है स्टेनो सैनिटरी वर्क, नाइट का सर, आया ड्राइवर, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, टीचिंग जॉब एंड स्टेनो स्टाइपिंग। जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 14 जनवरी नेक्स्ट ईयर की 2023 की 14 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, इसको आपने अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है इनका? एलिजिबल क्राइटेरिया यही है कि ऑल ऑफ दिस पोस्ट एप्लीकेशन हैविंग बैचलर इंटरमीडिएट, आपका मतलब कि बैचलर इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडिल, 8वीं पास, मतलब इन सब की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एच ई सी से ऑर्गेनाइज्ड किसी भी कॉलेज, स्कूल, मेडिकल या यूनिवर्सिटी से। इसी तरह जो एज लिमिट है उसका भी बाजी आपने ख्याल रखना है कि आपकी एज 18 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। और जो आपको सैलरी पैकेज किया जाएगा सिलेक्टेड, उनको हैंडसम सैलरी दी जाएगी, 25,000 से लेकर 45,000 तक आपको सैलरी मिली जाएगी। उसके अलावा भी आपके लॉन्सेस होंगे। जो पोजिशन निकाली गई हैं वो स्टेनो टाइपिंग की 14वें दर्जे की, हेल्प डेस्क असिस्टेंट 14वें दर्जे की, वैकेंसी टीचर्स 14वें दर्जे की, जूनियर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर 14वें दर्जे की, डेंटल टीचर एंड कारी 14वें दर्जे की, जूनियर इंस्ट्रक्शन 14वें दर्जे की, प्रीपरेशन टीचर्स 14वें दर्जे की, क्रेटोलॉजी 14वें दर्जे की, और बुक स्टोर और फ्रेशर 5वें दर्जे की, ड्राइवर 4थे दर्जे की, वेल्डर 3थे दर्जे की, अटेंडेंट एंड आया 2वें दर्जे की, हॉस्टल बियर 2वें दर्जे की, फ्रेशर, माली, नायब का सर, चौकीदार एंड सैनिटरी वर्क। ये सारी जॉब्स जो इन्होंने निकाली हैं जिसमें 50 से ज़्यादा सीट्स हैं, इनको अप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपने अपना कैंडिडेट्स, अपने इंटरेस्टेड कैंडिडेट कोई भी है उनको इनका ये ऑनलाइन अप्लाई होगा नेशनल जॉब पोर्टल से ngp.government.pk। आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे, वहाँ पर अपना साइनअप करेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और वहाँ से इस जॉब को, इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई करना, इट्स वेरी इजी टू ngp, क्योंकि आज के कैंडिडेट कोई भी है, कोई भी जॉब्स है वो सबसे पहले ngp में, बहुत सारी जॉब्स ngp के थ्रू ही आती हैं। अच्छा, कैंडिडेट अगर कोई बंदा अवेलेबल है वो मोरा गवर्नमेंट, मतलब कि ये वो इन सेकेंड ऑप्शन है आपके पास है कि कैंडिडेट अप्लाई फॉर द, अगर कोई बंदा है तो वो इस इनसे भी अप्लाई कर सकता है, मतलब www.moragovernment.pk, www.dgsc.government.pk, इनसे भी आप ये जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूली फुली एप्लीकेशन आपकी जो टेस्टेड कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ऑल आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट, अपने सर्टिफिकेट, अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट कागजात वगैरह हैं वो सारे टेस्टेड करवा के ऑथोराइज आपने इनके गिविंग एड्रेस, ट्विटर एड्रेस नीचे एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होगा, वो मेन हेड ऑफिस ऊपर भी मेंशन है इसी jobs.pk के, मैं दोबारा मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आपने इसको भेजने भी हैं, TCS करवाने हैं, कोई भी कोरियर सर्विस के जरिए, लेकिन याद रखिएगा 14 जनवरी से पहले तक हो जाए। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीडर इंटरनेट विल भी सेक्शन होगा, ऑनलाइन ही कंसीडर किया जाएगा, उसी उसके अलावा कोई आपको खर्चा नहीं देंगे आपके आने जाने के। जब आपका इंटरव्यू रीजनल क्या कहते हैं, आपका इंटरव्यू होगा तभी आपको रीजनल आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके अलावा पहले कोई भी आपसे रिक्वायर्ड नहीं किए जाएंगे। इसी तरह गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट कोई भी बंदा है तो वो एक प्रॉपर थ्रू चैनल के जरिए अप्लाई करें। अच्छा, अथॉरिटी रिवर्स राइट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब कि ये नंबर ऑफ डिक्रीजिंग, मतलब कि पोस्ट जो बढ़ानी और कम करने का जो राइट्स है ना ये इनके पास है, ये रिस्ट्रिक्शन आपकी बढ़ा भी सकते हैं, 50 से 100 भी कर सकते हैं, 100 से 25 भी कर सकते हैं, मतलब कि ये इनके पास ही अथॉरिटी है। ये जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैं आपको ज़रा दिखा दूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए।
इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये देखिए, इनकी एडवर्टाइजमेंट आ गई, मतलब कि जो स्टेनोस्टाइपिंग की 4 सीटें स्टेनोस्टाइपिंग के इंटरमीडिएट मांगा गया है, मिनिमम स्पीड 40 पर मिनट होना चाहिए शॉर्ट हैंड के। इस्लामाबाद में 2 पोस्टिंग, इस्लामाबाद में 1, पंजाब में 1 सिंध में। इसी तरह हेल्प डेस्क असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, वैकेंसी टीचर की 2 पोस्टें हैं, जूनियर इंस्ट्रक्शन की 2 सीट्स हैं, डेंटल टीचर कारी की 2 सीटें हैं, जूनियर इंस्ट्रक्शन की 2 सीटें हैं, मतलब कि सारी नंबर ऑफ पोस्टिंग भी मेंशन की गई है। अटेंडेंट आया की 3 सीटें हैं, हॉस्टल बेयर की 1 सीट्स है, इसी तरह माली की 2 सीट्स हैं, नायब कासर की 9 सीट्स हैं, प्राइमरी पास होना चाहिए, 1 ओपन मेरिट है, 3 इस्लामाबाद में, 1 इस्लामाबाद में वुमन में, 1 पंजाब में, 2 हैं सिंध में, 1 है और KPK में 1 है। चौकीदार की 3 सीट्स हैं और सैनिटरी वर्कर की 3 सीट्स हैं। ये इनका नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी मेंशन किया गया है। ये भी आपने लाजमी, जब आपने अपने टेस्टेड कॉपीज इनको भेजने हैं और डॉक्यूमेंट भेजने हैं, आपने लाजमी इसको फिल करना है। अगर तो कोई बंदा नेशनल जॉब के ज़रिए करता तो उनको ये नेशनल जॉब जरिए भेजता, तो फिर आपने इसको प्रिंट करवा के साथ फिर अपना फॉर्म फिल करके आपने अपने टेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ इसको भेजना है। अदरवाइज अगर आप, वैसे तो मैं तो यही कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नेशनल जेपी के ngp.pkgovernment.pk नेशनल जॉब पोर्टल उसके जरिए ही अप्लाई करें और फिर अपना सारे डॉक्यूमेंट और इन सब इस एप्लीकेशन को फिल करके इनके जो मेन एड्रेस है, जैसे कि नीचे एड्रेस मेंशन है, अना रोड G84 इस्लामाबाद, ये जो इनका एड्रेस है, यहाँ आपने इनको सबमिट करवानी है। थैंक यू फॉर वीडियो वाचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फेम अना चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब किया करें ताकि मज़ीद आने वाली जो ऐसी वीडियो है वो आप तक पहुँचती